नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। जबलपुर के थाना घमापुर अंतर्गत कल रात हुई गोलीकांड की घटना को लेकर के परिवारजनों का आक्रोश फूट पड़ा और जल्द से जल्द आरोपियों पर कार्रवाई करने के लिए आज थाना घमापुर और पूर्व विधायक अंचल सोनकर सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने मिलकर के थाना घमापुर का घेराव किया और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। साथ ही घटना की जांच कर रहे अधिकारी को ट्रांसफर करने की मांग की गई है। मौके पर एडिशनल एसपी सीएसपी समेत थाना हनुमान ताल गोहलपुर घमापुर मौके पर मौजूद रहा। थाने में शव रखकर जो है अभी प्रदर्शन किया गया, आपके द्वारा आरोप भी लगे हैं कई पुलिस पर। पुलिस का लोग रखते ही है, पुलिस सही काम करे तो आरोप क्यों लगेंगे। अभी एक डेढ़ माह के अंदर यहाँ तीन मर्डर हुए हैं, इस थाने के अंदर तीन मर्डर हुए हैं। मैं अभी टीआई से बोला कि यहाँ पे तो कहे जब मैं नहीं था, जो टीआई नहीं आएगा तो उसने रहते एक मर्डर फिर होगा क्या। अरे टीआई मतलब टीआई, पुलिस वाले मतलब पुलिस वाले। पर यहाँ पे इस लड़के को इसके आधा घंटा पहले एक दो लड़के जो मर्डर किए हैं उनने मर्डर वो चाकू मारा था, उसका भीतर में इलाज चल रहा था। यहाँ पे विधायक और विधायक का भाई जो गुंडा है, जिसको ऊपर गुंडा एक लगना चाहिए पर पुलिस लगाती नहीं है। क्यों नहीं लगाती? डरती है, पता नहीं क्यों डरती है। उनको दारू के ठेका भी चलते हैं और ठाकुर द्रविड़ के पास पैसा आता है टीआई के पास महीने का, इसलिए वो डरती हैं। यहाँ पे पहले जो रहा पे यहाँ पे घोर के थाना की स्थिति, वो स्थिति ये रही कि आए दिन महीने में दो दिन मर्डर यहाँ होते ही रहे। अब वही स्थिति फिर बन रही है। वो स्थिति क्यों बन रही है? इसलिए बन रही है कि यहाँ जो थाने वाले हैं टीआई से लेके और भी एसआई से और भी जो सब नहीं है कुछ लोग जो ये है, ये लोग क्या खुद बुला बुला के यहाँ कर रहे जालू दारू बिकवाओ, जुआ खिलवाओ, सट्टा खिलवाओ। आप यहाँ देखिए चुम्बी चौकी के पास कल एक महिला लूटी कि नहीं लूटी? एक महिला लूटी कि नहीं लूटी? यहाँ पे दिन दहाड़े लूटी लूटी और उसके किनारे पे वहाँ पे लाइन से बैठ कर दारू पिलाया जाता है। तो दारू कौन बेचेगा? पुलिस काय के लिए है कि गुप्ता ऐसा ही था और कुछ पुलिस वाले यहाँ पे हैं, ये खुद दारू बिकवाते हैं, जुआ सट्टा दारू खिलवाते हैं यहाँ पे। ये थाना इतना बेकार थाना हो गया तो हम तो लगता है कि तीन मर्डर हुए हैं और मर्डर ना हुए यहाँ पे। हम तो ये कहते हैं कि जो यहाँ पे जुआ सट्टा दारू खिलाए तो हमको उल्टा टांगो और लात जूते मारो। पर वो आधा घंटा है, 7:30 बजे करीब यही लोग एक लड़के को चाकू मारे थे। अगर वो पकड़ जाते तो एक केस ना हो पाता। और रात में 12 बजे यही लड़के जो मर्डर किए वो जाके जन्मदिन मनाते हैं अपना, इस लड़के को गोली मारते हैं। और गोली कहाँ से मारे? उसको सिर में लगा, इस पार्ट पर ही वो ख़त्म हो गया रहा वो। और वो पड़ा रहा काफ़ी देर, यहाँ से पुलिस बहुत लेट गई है तो उठा के लाइए, चाय पिलाइए आपका उसे टैक्सी में उठा के ले, तब वो वहाँ ले गए। तो इसलिए हम तो कहते हैं जो यहाँ पे आप ठीक है, हमारा शौक नहीं पुलिस का विरोध करना। मैं भी 6 से 5 बार विधायक रहा पर मैं कंट्रोल लगता रहा, जैसा कोई बात होती रही मैं खुद आता रहा। फिलहाल एसआई को निलंबित करने की मांग की है। बिल्कुल, पहले ट्रांसफ़र हो गया रहा, उससे क्या इस थाने को और अधिकारियों को जो ऊपर अधिकारी बैठे हैं क्या फ़ायदा है उससे? उससे फ़ायदा क्या है? एक नंबर के यहाँ लोगों को दलाल है, वो यहाँ पे जितने खराब चल रहे हैं सब अपराधी वही कराता है। रीमा से आए हैं तो भैया चले जाए रीमा, चले जाए ना रीमा में, चले जाए वहीं करें। और यहाँ रह के मैं समझा दिया, अगर अब एक गलती कोई करेगा तो मैं थाने में घुस के जो मेरे को करना होगा मैं करूँगा, खुला चैलेंज है मेरा, मैं अब बर्दाश्त नहीं करूँगा। फिलहाल अगर निलंबित नहीं होता तो क्या? निलंबित होगा तो मैं बताऊँगा ना मैं क्या करना है, मैं बताऊँगा क्या करना है उसके लिए। और एक दो और कॉन्स्टेबल उनके लिए क्या करना है मैं बताऊँगा कि क्या करना है। कितने लोगों की मांग की आपने निलंबित? मांग 3-4 लोग हैं, 3-4 लोग हैं जो दुष्ट टाइप के हैं यहाँ पे, उनसे कोई मतलब नहीं है। आप जुआ खिलाओ, सट्टा खिलाओ, किसी बहन को छेड़ दो, किसी औरत को छेड़ दो, 376 कर दो, तो कोई मतलब नहीं। उनको पैसा चाहिए, पैसा दे दो, केस रफा सफा हम कर देंगे। ये थाने की स्थिति ये चल रही है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना हमारे कार्यकर्ता बर्दाश्त करेंगे ना यहाँ की जनता, क्षेत्र की जनता बर्दाश्त करेगी। मैं इतना आपसे बोलना चाहता हूँ टीआई साहब से, एडिशनल एसपी जो आए हैं यहाँ पे और सीएसपी साहब से इतना विनम्र करना चाहता हूँ कि अभी बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। और जो लोग ये घटना कर रहे हैं उनको उठा के बंद करें और उसका जल्लू निकालें, यहाँ से लात मारते जूते का माला टांगे उस पर लात मारते उनको जल्लू निकालें, उसको बंद करें। क्या मांग के लिए? ये थाना घमापुर में कल रात को एक हत्या की गई थी, जिसमें पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस स्पॉट पर पहुँची थी
और उन्होंने उस घटना को लेकर अपराध कायम करा था और टीम्स लगी हुई हैं। उसी के रेफरेंस में आज उनके परिवारजन और कुछ और लोग कुछ अपने कंसर्न्स लेके आए थे थाने पर कि आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने के लिए, सब क्षेत्र में जो अपराध हो रहे हैं उन पर और कंट्रोल के लिए, सबके रेफरेंस में उन्होंने अपनी मांगें कुछ रखी हैं सामने, तो जिस पे हम पूरी कार्रवाई करेंगे और जो भी जो आरोपी हैं जो इस घटना में है उनको पकड़ा जाएगा और आगे जो भी और कार्रवाई हमको करनी है एरिया को सिक्योर और सुरक्षित करने के लिए वो पुलिस करेगी।